हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और सुपर टेस्टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे इंस्टेंट केक भी बोल सकते हैं। इस केक को हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और आप इसे आधे घंटे से भी कम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये क्रीम बिस्किट्स लिए हैं, चॉकलेट बिस्किट्स हैं ये। यहाँ पर मैं बॉर्बन बिस्किट्स ले रही हूँ, आप यहाँ पर किसी और ब्रांड के बिस्किट्स भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8 से 10 ये बिस्किट्स ले लिए हैं और एक ग्राइंडर ले लिया है। इन बिस्किट्स की हम ये क्रीम जो बीच में लगी हुई है उन्हें निकाल कर इन बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये एक परफेक्ट रेसिपी है आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। जब भी वो इस तरीके की केक की डिमांड करें तो आप इजीली इस केक को प्रिपेयर कर सकती हैं और आई एम श्योर कि आपके बच्चों को भी ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका फ्लेवर बिल्कुल चॉकलेट केक जैसा ही आता है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बिस्किट्स को इस ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। बिस्किट्स हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। इस केक के बैटर को बनाने से पहले हम एक पैन लेंगे और उसे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक पैन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और उसके लिड पर मैंने ये स्ट्रिंग लगा दी है, जिससे कि ये पैन चारों साइड से अच्छी तरीके से गर्म होगा और हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होगा। अब हम एक प्लेट रेडी कर लेंगे जिसमें कि हम हमारे केक का बैटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है, आप यहाँ पर कोई भी प्लेट या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ले सकती हैं। इसे हम सबसे पहले घी डालकर या फिर बटर डालकर ग्रीस कर लेंगे और इस पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि हमारा केक इसके ऊपर स्टिक नहीं होगा और अच्छी तरीके से निकल जाएगा। केक को बेक करने के लिए प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। यहाँ पर इस क्रश किए हुए बिस्किट्स में हम गरम दूध डाल देंगे। इसमें आप ध्यान रखिए कि हल्का गरम या फिर थोड़ा गरम दूध ही डालिए, ठंडा दूध डालेंगे तो इसका बैटर अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें इस केक का एक अच्छा सा स्मूथ बैटर रेडी कर लेना है। इस बैटर में हमें दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि हमें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर मिले। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी मीठा सोडा, जिससे कि हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से स्पॉन्जी भी बनेगा। तो यहाँ पर मीठा सोडा डालने के इमीडिएट बाद हमें इस बैटर को हमारी ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देना है और डालने के बाद हम इसे थोड़ा डैब डैब कर लेंगे, जिससे कि इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेक होगा।
हम हमारे प्री हीट किए हुए पैन में रख देंगे। पैन में रखने के बाद इसका लीड लगा देना है हमें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बराबर 10 मिनट के लिए बेक होने देना है। दस मिनट हो चुके हैं, देखिए हम इसका लीड उठाकर देख लेते हैं और एक फोर्क डालकर चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरीके से बेक हुआ है या नहीं। तो देखिए फोर्क एकदम नीटली बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसे इस पैन से बाहर निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से मैंने एक और केक बना लिया है जिससे कि अब हमारे केक की ये दो लेयर रेडी हो जाएंगी। अब हम हमारा इसे फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे जिसके लिए मैंने ये बिस्किट्स के बीच में जिससे जो हमने क्रीम निकाली थी वो एक बॉल में डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बॉल मलाई या फिर क्रीम, ये वही दूध की मलाई है जो हमारे घरों में नॉर्मली होती है। तो इस बिस्किट से निकली हुई क्रीम में मैं ये मलाई डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इसे डेकोरेट कर सकती हैं, अच्छी तरीके से व्हिप्ड कर सकती हैं इस क्रीम को या फिर किसी भी फ्लेवर की व्हिप्ड क्रीम को इन लेयर्स के बीच में लगाकर इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इन चॉकलेट की क्रीम को और इस मलाई को आपस में मिक्स करके इन केक के दोनों लेयर्स के बीच में लगा दूंगी जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इस क्रीम को हमारे केक के लेयर्स के बीच में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे जिससे कि इस केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी आएगा। आप इस केक को अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने बच्चों की टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से भी डेकोरेट कर सकती हैं। मैं इसे पेस्ट्री शेप में कट कर रही हूँ इसलिए मैंने इसका एक स्क्वायर निकाल लिया है बीच में से कुछ इस तरीके से और इसे मैं अब डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल दूंगी और रेडी है हमारा ये इंस्टेंट केक जो कि हमने आधे घंटे से भी कम में प्रिपेयर कर लिया है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ट्रस्ट मी गाइस ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो आई होप कि केक की इंस्टेंट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास जेम्स या फिर कोई भी और केक स्प्रिंकल्स रखे हुए हैं तो उन्हें आप इसके ऊपर लगाकर इस केक को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव बना सकती हैं अपनी फैमिली के लिए। खासकर बच्चों को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इजी और सुपर टेस्टी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरी एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर योर टाइम।